नमस्कार, ये एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। सियाज के दौरान शहर में कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर शहर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। एसपी एमएस वर्मा ने शहर में धारा 144 लागू करने के लिए बुधवार को कलेक्टर कविंद्र कियावत को पत्र लिखा है। शहरी लोगों के लाइसेंस या हथियार भी जमा करवाए जाएंगे। कुछ दिन पूर्व संतों में हुए विवाद में एक दूसरे पर बंदूक तान ली गई थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और हथियारों पर रोक के लिए कार्यवाही शुरू की। इंदौर मेट्रो की डीपीआर फरवरी अंत तक तैयार हो जाएगी। पहले चरण में 30 किलोमीटर रूट पर मेट्रो चलेगी। पहला रूट पलासिया एयरपोर्ट रहेगा तो दूसरा नैनौद एयरपोर्ट रहेगा। पहले चरण में करीब 8,200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पहला चरण 2018 में पूरा होने के साथ ही दोनों रूटों के कुछ हिस्से में मेट्रो चलने लगेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्दी समाधान ऑन द स्पॉट के साथ जन कल्याण यात्रा पर निकलेंगे। इसमें लोगों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम और समस्याओं का फैसला मौके पर ही किया जाएगा। यात्रा में मिले फीडबैक के आधार पर प्रतिदिन रात में मैदानी अफसरों की क्लास भी होगी। भोपाल में निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सरकार से जवाब मांगा है। बसपा महासचिव सुनील बोरसे ने नियुक्तियों को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए शिकायत की है। सतना कलेक्टर ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए इसे शासन से जुड़ा विषय बताया है। डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने उस बयान से किनारा कर लिया है जिसमें उन्होंने अपनी नियुक्ति को मैहर चुनाव से जोड़ते हुए फायदेमंद बताया था। गुरुवार शाम 5 बजे प्रचार का शोरगुल थम गया। यहां मतदान शनिवार सुबह 7 बजे से होगा। खंडवा के हनुवंतिया में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 10 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में कई प्रतियोगिताएं होंगी। इसके पहले केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री खरगोन में मेगा फूड पार्क के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इंदौर में स्मार्ट सिटी को लेकर होने वाले आयोजन में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।